बढ़ते रामलला के गर्भगृह में पानी भरने का मामला, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस मामले को नकार दिया है। अभी अस्थाई छत लगाई गई है, ये चंपत राय की तरफ से कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि मंदिर का सिर्फ अभी भूतल ही निर्मित हुआ है, ये भी चंपत राय की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए, रामलला के गर्भगृह में पानी भरने का मामला और इसे नकार दिया है चंपत राय ने। तो आपको बता दें कि मंदिर के मुख्य पुजारी की तरफ से ये कहा गया था कि छत टपक रही है रामलला के गर्भगृह की, लेकिन खबर क्या है अब रामलला के गर्भगृह में पानी भरने की जो खबर आई थी उस पर आपको बता दें कि ट्रस्ट ने इस बात को नकार दिया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक अस्थाई छत लगाई गई है, यानी कि भूतल की तैयारी हुई है, प्रथम तल और द्वितीय तल अभी वहां पर निर्माण हो रहा है, लेकिन उन्होंने छत टपकने की कोई भी खबरों को नकार दिया है सिरे से। तो कैसे यहां पर गर्भगृह में पानी भरा यह खबर सामने आई और उसके बाद चंपत राय का बयान, पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। अयोध्या के रामलला के मंदिर के गर्भगृह में छत से पानी टपकने की खबरों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उन्हें नकार रहे हैं। कहीं से आई है कि गर्भगृह में पानी, तो गर्भगृह में एक बूंद भी पानी न ऊपर से टपका ना बाहर से अंदर प्रवेश किया है। चंपत राय के मुताबिक मंदिर का अभी सिर्फ भूतल ही निर्मित हुआ है, जबकि उसका प्रथम तल और द्वितीय तल का निर्माण चल रहा है। ऐसे में मंदिर की छत खुली हुई है। छत तो जब दो मंजिल पूरी हो जाएंगी तभी बनेंगी। मंदिर का पत्थरों का होने के कारण सभी काम साइमल्टेनियस नीचे से धीरे धीरे चलते हैं। और बारिश के पानी को मंदिर में जाने से रोकने के लिए अस्थाई छत लगाई गई है, दोनों तलों का काम लगातार हो रहा है। तो अयोध्या के कई इलाकों में आपको बता दें बारिश का कहर देखा गया, अयोध्या में रामपथ का एक हिस्सा धस गया है, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। मॉनसून की बारिश वहां पर हुई है, लेकिन सड़क धसने की घटनाएं जो है अयोध्या से सामने आ रही, यानी कि विकास के दावों को कहीं ना कहीं धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में रामपथ का एक हिस्सा जो है वो धस गया है, कई जगहों पर कई फीट पानी जमा हो गया है, बड़े पंडालों के जो टिन शेड है वो वहां पर हवा से उड़ गए। तो अयोध्या में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है, पूरी खबर क्या है ये भी आप जान लीजिए। अयोध्या में बारिश की वजह से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, कई सारी जगह ऐसी है जहां पर कई फीट पानी जमा हो जाने से मंदिर जाने वाले रामपथ का एक हिस्सा धस गया है और ये बहुत बड़ी खबर है। अयोध्या में कई परियोजनाओं के काम जारी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये तस्वीर आना बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अयोध्या के कई रास्तों में गड्ढे हो गए हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में कुछ देर के लिए हुई बारिश के बाद करोड़ों की लागत से तैयार रामपथ का एक हिस्सा धंस गया। बारिश की वजह से सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हादसों को भी न्योता दे सकता है। इसलिए पहले तो बैरिकेड लगाकर उस सड़क को बंद किया गया और फिर खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उसे मिट्टी डालकर भर दिया गया। हालांकि कुछ देर की बारिश में ही इस तरह से सड़क धंस जाने से कई लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जो जगह जो सड़क धंस गया ये कैसा निर्माण है, कैसा गुणवत्ता है। लेकिन अयोध्या में हुए विकास कार्यों का हाल सिर्फ उसी रोड का नहीं था, बल्कि कई जगहों पर तो घुटनों तक पानी भर गया। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते के दिखे, वहाँ तो बारिश के पानी में सड़क ही गायब हो गई। वहीं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाए गए बड़े बड़े पंडालों के टेंट शेड तक हवा में उड़ गए। और अब मुजफ्फरपुर से एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में बत्ती गुल हो गई, अंधेरे में बैठे रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। ये बहुत बड़ी खबर है, अंधेरे में ही बैठे रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर जिस प्रोग्राम में वो पहुंचे थे, सुरक्षा बल ने मोबाइल से यहाँ पर लाइट दिखाई, तस्वीर सामने आई है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। बिहार के डिप्टी सीएम एक प्रोग्राम यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर बड़ी चूक हुई, उनकी कार्यक्रम में ये लाइट नहीं आई और उसके बाद अंधेरे में डिप्टी सीएम बैठे हुए दिखाई दिए। उसके बाद जो सुरक्षा बल वहां पर थे, मोबाइल की लाइट यहाँ पर जरूर उन्हें दिखाई गई है। तो बिहार में बिजली गुल होने की कई घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन ये तो कार्यक्रम ही डिप्टी सीएम का था, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन खबर क्या है आपको बता देते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बिजली चली गई। अब मुजफ्फरपुर से ये घटना सामने आई है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर बिजली कट गई। अब जानकारी मिल पा रही है कि कार्यक्रम में कई मंत्री और पूर्व मंत्री जी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थे और बिजली जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाए गए। हालांकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बिजली आ गई, लेकिन आप बताइए कि बिहार के डिप्टी सीएम जहां पर थे वहां पर बिजली गुल हो गई, यानी कि बिहार के लोग तो बिजली गुल से परेशान थे ही, लेकिन कैसे डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में भी बिजली गुल हो गई, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए।
बिहार के मुजफ्फरपुर में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब राम दयालु सिंह कॉलेज सभागार में सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के कार्यक्रम के दौरान अचानक लाइट कट गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत कई वीआईपी मेहमान मौजूद थे और तभी अचानक बिजली सप्लाई कट गई, जिसके बाद सभागार में बिल्कुल अंधेरा छा गया। ऐसे में सुरक्षा बल के जवान ने मोबाइल से फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी करने का प्रयास किया। हालांकि थोड़ी देर के बाद बिजली सप्लाई दोबारा शुरू हो गई, लेकिन डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में बत्ती गुल होने का मुद्दा बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर गोल्डी बराड को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गोल्डी बराड पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम जो है उसका ऐलान किया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ के व्यापारी पर जानलेवा हमला करने का ये पूरा मामला है। गोल्डी बराड समेत दो गैंगस्टर्स पर यह इनाम घोषित किया गया है। तो एनआईए ने गैंगस्टर गोल्डी बराड पर इनाम घोषित कर दिया है, लेकिन कौन सी खबर सामने आई जिसके बाद एक बार फिर से चर्चा में नाम आया गैंगस्टर गोल्डी बराड का, ये पूरी खबर क्या कहती है वो अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, एनआईए ने गैंगस्टर गोल्डी बराड पर इनाम घोषित कर दिया है। यही वो शक्ल है, यही वो गोल्डी बराड है। गोल्डी बराड समेत दो गैंगस्टर पर इनाम बाकायदा घोषित हुआ है। खबर यह भी है कि जानलेवा हमला केस में 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर दिया गया है। 8 मार्च का वो दिन था जब चंडीगढ़ के व्यापारी पर यह हमला किया गया था और इसी को लेकर गोल्डी बराड पर अब इनाम घोषित कर दिया गया है। तो गोल्डी बराड पर यह शिकंजा क्यों कसा गया है, पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट देखिए। एजेंसी एनआईए ने कुख्यात और भगोड़े गैंगस्टर गोल्डी बराड पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। बताया गया कि चंडीगढ़ के सबसे पॉश में रहने वाले कारोबारी कुलदीप सिंह मक्कड़ के घर पर गोलीबारी के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने ये इनाम घोषित किया है। गोल्डी बराड गैंग पर आरोप है कि उसके गुर्गों ने बीते 8 मार्च को अवैध वसूली के लिए व्यापारी के घर पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में गोल्डी बराड के साथ ही एनआईए ने उसके साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लो पर भी 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने व्यापारी से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। इस मामले में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। विदेश में छिपा गोल्डी बराड इस वक्त एनआईए के रडार पर है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक विवादित बयान यहां पर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की जीप काटने वाले को 25 लाख का इनाम देने की बात यहां पर कही गई है। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने विवादित बयान दिया है। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं दिनेश शर्मा, संसद में ओवैसी के नारे से नाराज है दिनेश शर्मा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने बयान को लेकर इस वक्त चर्चा में है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में कहा था जय फिलिस्तीन, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये खबर क्या है, इस तरीके का बयान दिनेश शर्मा की तरफ से क्यों दिया गया है? संसद में शपथ के बाद ओवैसी की नारेबाजी पर बवाल हुआ है, विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी पर विवादास्पद बयान उनकी तरफ से दिया गया है। अब ओवैसी की जीभ काट कर लाने पर 25 लाख के इनाम की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। ओवैसी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग की जा रही है, यानी कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये पूरा मामला था और क्या असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा जिसके बाद सियासी संग्राम भी मच गया, एक रिपोर्ट में आप देखिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हिंदूवादी नेता ने विवादास्पद बयान दिया है। कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार दिनेश शर्मा ने ऐलान किया जो असदुद्दीन ओवैसी की जीभ काट कर लाएगा उसे वो 25 लाख का इनाम देंगे। सभी सनातनी हिंदू भाइयों से, सभी सनातनी हिंदू शेरों से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारा सनातन हिंदू शेर इसकी जिभ्या को काटेगा, कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से उसको 21 लाख की इनाम दी जाएगी। ओवैसी को लेकर दिनेश शर्मा ने बयान उनके संसद में फिलिस्तीन के लिए लगाए गए नारे से नाराज होकर दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि ओवैसी सनातन विरोधी हैं, देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं और उसकी संसद की सदस्यता तत्काल रद्द कर देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। ये लोग हमारे देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। जिस प्रकार से ओवैसी ने कहा है कि जय फिलिस्तीनी, उसने कभी नहीं कहा कि जय हिंद जय भारत, उसने कभी नहीं कहा भारत माता की जय। दिनेश शर्मा ने यह भी कहा, जिस नेता ने कभी भारत माता की जय नहीं बोला अब वो फिलिस्तीन की जय बोल रहा है।